सो गाइस आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के शहर में आ चुके जाइंट टॉम एंड जाइंट जेरी। और ये दोनों इतने ज्यादा जाइंट कैसे हो गए, जानेंगे इसी वीडियो में। सो गाइस आज हमारे घर पे आने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट, और वो स्पेशल गेस्ट अभी आते होंगे। सबसे पहले तो अपने घर साफ कर लेता हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। अगर वो ऐसे ही देखेंगे वो कहेंगे कि फ्रैंकलिन की तरह गंदे तरीके से रहता है। तो हाँ, मैं जल्दी से अभी सफाई कर लेता हूँ। सो गाइस हमारा गेस्ट आ चुका है और हमारा गेस्ट है टॉम। जी हाँ, टॉम एंड जेरी वाला जो टॉम है वो हमारा दोस्त है बहुत पहले से, और वो कह रहा था कि मेरे को मिलने आना है भाई फ्रैंकलिन तेरे से। सो गाइस हम लोग 3-4 घंटा बात करते हैं और टॉम थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। वो छोटे जेरी की वजह से उसने इसकी नाक में बहुत ज्यादा दम कर रखा है। तो मैंने टॉम को डॉक्टर झटका के पास जाने को कहा जो कि इसकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, और टॉम चले जाता है डॉक्टर झटका के पास। तो गाइस बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, पूरे 5-6 घंटे निकल चुके हैं, अभी तक टॉम वापिस ही नहीं आया डॉक्टर से, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने उसे कहा था जल्दी आ जाना, उसके लिए पूरा खाना बना के मैंने रखा था। अबे व्हाट, ये कैसी आवाज आ रही है? अरे अबे ये टॉम इतना बड़ा कैसे हो गया गाइस? अरे ये तो पूरा जॉइंट हो चुका है। इसको तो मैंने डॉक्टर के पास भेजा था ताकि ठीक हो सके, अबे इसको डॉक्टर ने क्या कर दिया? अरे यार अभी मैं क्या करूं? अरे हमें तो जल्दी से अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो ही बताएंगे इसके साथ हुआ क्या है। हेलो डॉक्टर झटका, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे डॉक्टर झटका, ये टॉम को क्या हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया? मैंने तो आपके पास भेजा था ताकि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके। सो गाइस यहाँ पे डॉक्टर झटका बताते हैं कि वो टॉम मेरे पास आया था, वो कह रहा था उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, तो मैंने उसे एक दवाई दी थी, और दवाई देने से पहले उसको मैंने बोला था कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि टॉम एक इंसान नहीं है, टॉम एक बिल्ला है, जिससे कि वो दवाई उस पे रिएक्शन कर सकती थी। बट टॉम ने डॉक्टर की एक ना सुनी, उसने जल्दी से वो दवाई ले ली और टॉम हो गया बहुत ज्यादा जाहिल। तो फ्रैंकलिन जल्दी से डॉक्टर से एक सोल्यूशन पूछता है। तो डॉक्टर बताते हैं फ्रैंकलिन को कि उसे एक ऐसा इंजेक्शन लेकर आना पड़ेगा जो कि ये वाले रैंप को पार करके मिलेगा, और इसी इंजेक्शन से वो टॉम बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो ओके, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ये वाले लेवल पे ताकि हमें वो इंजेक्शन मिल सके, और जल्दी से इसको करते हैं। भाई पता नहीं यार वो टॉम को क्या हो गया है, और ये पंखे, इन पंखों की ऐसी तैसी अड़ना मत फ्रैंकलिन, इनके बीच में ये बहुत बेकार से है पंखे, कैसे लगा रखे हैं, जमीन में से निकल रहे हैं भाई, ये कैसे पॉसिबल है। ओके अभी चलते हैं सीधा ऊपर, और ये कंटेनर्स पे तो वैसे ही गुस्सा बहुत आती है। एंड लेट्स गो, अभी चलते हैं यहाँ से, ये आगे कुछ है कि नहीं? है भाई, लेट्स गो। अभी ये पंखों को करते हैं पार, और आगे झाड़ियाँ हैं भाई, देखो फिर से भाई पेड़ काट के रख रखे हैं भाई, मैंने कितनी बार बोला है पेड़ मत काटो। ए ई फ्रैंकलिन आगे, भाई भाई आगे कुछ नहीं है, मैं अभी कूद जाता यार, वो देखो साइड से रास्ता है बिल्कुल छोटा सा। अरे भाई मैं अभी पूरा का पूरा वो सीधा मैं कूद देता नीचे, सारा लेवल दोबारा करना पड़ता। ओके अबे यार ये पंखे एक तो, चल भाई चल 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 फ्रैंकलिन, टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। और गाइस ये पंखे वैसे भी किसने लगा दिए यहाँ पे, और लेट्स गो यहाँ पे अभी कंटेनर पे चलते हैं। ओए वो कंटेनर तो उल्टा घूम रहा है, ए मैं नीचे ना गिर जाऊँ, भाई मैंने तुक्के से ऐसी जंप मार दी। लेट्स गो अभी चल 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 फ्रैंकलिन, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते कंटेनर्स की, लेट्स गो चल अभी चल आगे चल, अबे आगे चलना क्या कर रहा है। सो लेट्स गो, ये भी कंटेनर उड़ने वाला है। अरे ये कंटेनर इसके अंदर कैसे घुस रहा है जमीन के। ओके लेट्स गो यहाँ पे चल जाते हैं, और ये कंटेनर घूम रहा है इसके ऊपर चलते हैं। ओके 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 गाइस यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो वेट नहीं करता यार, मैं सीधा सीधा पूरा लेवल कर देता हूँ। लेट्स गो, ओके यहाँ पे चलते हैं अभी, और आगे हमारे, अबे भाई ये लेवल में तो पंखे ही पंखे लग रखे हैं दुनिया भर के, जैसे कि देख सकते हो आगे तक पूरे पंखे ही पंखे लगे हुए हैं। भाई साहब क्या तगड़ा लेवल है ये, लेट्स गो चलो फिर आगे चलते हैं जल्दी से। और यहाँ पे ये डिस्को बार जैसे, ये क्या कहते हैं इसको, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं, कमेंट में खुद बताओ यार ये गोल गोल को क्या कहते हैं। और लेट्स गो यहाँ से अभी चलते हैं, अभी फिर से झाड़ियाँ आ चुकी हैं, और फ्रैंक भाई झाड़ियाँ इसलिए लगाते हैं कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ नहीं होने वाला क्योंकि मैं प्रो प्लेयर हूँ। लेट्स गो ये कंटेनर आ चुका है, अरे यार ये कंटेनर को उल्टा टेढ़ा करके लगा रखा है बीचों बीच रस्ते के। अभी चलो यहाँ से अभी चलते हैं, एंड लेट्स गो चल अबे फ्रैंक। अरे हाँ आगे तो वो भाई वो कंटेनर भी हमें थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, ऐसे जा ही नहीं सकते। लेट्स गो चल 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 चल, अबे भाई ए, 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 नीचे गिर जा ए, ए, भाई साहब, अरे मैं नीचे गिर जाता अभी, भाई पूरे एक टायर पे था मैं और ऊपर से एज पे, क्या बचाऊ अब यार। फ्रैंकलिन जल्दी से इसको मोड़ ले अपनी बाइक को, भाई बहुत मुश्किल से बचा, मैं नीचे गिरने वाला था। लेट्स गो चल 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 फ्रैंकलिन, भाई टाइम वेस्ट मत कर, दोबारा से गिर जाएगा नहीं तो।
ओके तो गाइज हमारा ये लेवल होने वाला है, अभी जल्दी से आगे पहुंचते हैं, लेट्स गो। तो गाइज हमें यहाँ पे इंजेक्शन मिल गया है, डॉक्टर मैं इंजेक्शन ले आया। अरे गाइज डॉक्टर मेरे को कह रहे हैं कि मेरे को भी जॉइंट होना पड़ेगा वो इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन यार मैं जॉइंट कैसे हो सकता हूँ, टॉम मेरा दोस्त है, अगर मैं जॉइंट होकर उससे लड़ूंगा तो यार मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी और मेरे से तो और ज्यादा लड़ जाएगा वो। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ मैं टॉम के एक दुश्मन को ले आता हूँ, दुश्मन कह लो दोस्त कह लो जो भी वो है, जेरी, मैं जेरी को यहाँ पर ले आता हूँ, उसको जॉइंट बना देते हैं और जब तक वो दोनों लड़ेंगे मैं उनके ऊपर इंजेक्शन मार दूंगा ताकि दोनों नॉर्मल हो सकते हैं, और मैं उसको जेरी को लेकर आऊंगा दूसरी सिटी से। अभी दूसरी सिटी जाने के लिए मेरे को एरोप्लेन पे चढ़ना पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं जेरी को लेने के लिए, क्योंकि जेरी ही एक बंदा है जो सिर्फ टॉम से डील कर सकता है। लेट्स गो गाइस, अभी जल्दी से प्लेन में बैठते हैं और चलते हैं, क्योंकि मेरे से तो भाई बस की बात नहीं है उसे लड़ने की। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लैंड हो चुके हैं जेरी वाली सिटी में, और ये जेरी की सिटी बहुत ज़्यादा दूर थी तो मेरे को दो चार प्लेन चेंज करने पड़ गए और मैं दो चार दिन मेरे को लग गए। तो अभी जल्दी से चलते हैं जेरी के घर पे, उसका एड्रेस मेरे को पता है कहाँ पर है, क्योंकि मैं बहुत साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तो अभी दोबारा से चलते हैं यार, काश उसका घर वहीं पे हो, उसने घर चेंज ना किया हो, अगर घर चेंज कर लिया तो भाई वो मिलना मुश्किल हो जाएगा इस बड़ी सिटी में। आप खुद ही देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अरे यार अब सीधा चलते हैं, जितना मेरे को याद है वहीं पे जा करके सीधा जेरी को बुलाते हैं। अबे यार कौन सी वाली गली में था यार, मैं तो गली भूल गया यार, अब कैसे। अरे अरे ये हाँ यही घर है भाई जेरी का, लेट्स गो, यहाँ पे घर अभी भी है, मतलब वो यहीं पे रहते होंगे। अरे अरे बाइक रोकना यार, क्या कर रहा है फ्रैंकलिन भाई, तेरे को क्या नशे वशे करके आया है। ए जेरी भाई, भाई जल्दी बाइक यहाँ पे पार्क करो, ए जेरी को बुलाता हूँ जल्दी। ए जेरी दिक्कत हो गई है भाई, जल्दी आ भाई, क्या कहाँ पे है तू। तो गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन जेरी को सारी चीजें बताता है, पूरी सिचुएशन बता देता है, और जेरी कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, और टॉम की ऐसी तैसी भी मैं बहुत अच्छे से करना जानता हूँ, तो जेरी चल देता है हमारे साथ। तो गाइस अभी हम लैंड हो चुके हैं हमारी सिटी में। अबे ब्रेक मार फ्रैंकलिन, अबे क्या कर रहा है, दूसरे प्लेन में अड़ेगा क्या। ओके तो गाइस अभी चलते हैं जल्दी से डॉक्टर के पास। ओके तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास, अभी इस जेरी को जॉइंट करते हैं। तो गाइस डॉक्टर इसको जेरी को पूरा का पूरा जॉइंट कर देते हैं जितना टॉम है, एंड जेरी चले जाता है टॉम की ऐसी तैसी करने, और साथ ही मैं जाता हूँ एक इंजेक्शन लेकर के ताकि इन दोनों को मैं नॉर्मल कर सकूं, और जब तक टॉम एंड जेरी लड़ रहे होते हैं तो मैं इंजेक्शन दूर से फेंक के मार देता हूँ, और ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं।